कन्याकुमारी श्री माता वैष्णो देवी कटरा। अच्छा जी, ये देख लो इतना मोटा कॉकरोच यार, अंदर भी बड़े कॉकरोच है ना छोटे छोटे। ठीक है, सिंपल सा खाना चाहिए था मुझे, वो ये इसमें न्यूट्री भी डाली। चकरा शेरावली दा बोल साचे दरबार की जय। हां जी, कीमे जी सारे सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई अभी मैं हूँ इंडिया के एंड पॉइंट, कह लो या स्टार्टिंग पॉइंट, कन्याकुमारी में। और आज कन्याकुमारी आए तो ऐसी वैसी ट्रेन जर्नी नहीं दिखाने आया हूँ, आज हम ट्रैवल करेंगे इंडिया की थर्ड लॉन्गेस्ट ट्रेन में, हिमसागर एक्सप्रेस में। और आज की जर्नी भाई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाली होने वाली है। लगभग 70 घंटे रहेंगे ट्रेन में, 4 दिन और 3 रात हम ट्रेन में बिताने वाले हैं। और भाई मेरी अभी तक की कह सकते हैं सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी करने वाला हूं। वैसे मैंने एक हम सफर की थी मैंने, लेकिन भाई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है यहाँ पर, अभी ड्रोन शॉट लेकर आए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको स्टेशन दिखाते हैं, फिर करेंगे जर्नी की शुरुआत। अंदर आ चुके हम स्टेशन के, ये देख लो यहाँ पर आपको ये टिकट काउंटर मिल जाएगा अनरिजर्व्ड। तो ऐसा कुछ है ये स्टेशन, आपको एक बार प्लेटफॉर्म दिखाते हैं। अंदर आ चुके हैं स्टेशन पे, गर्मी आप देख लो, मेरी हालत आपको समझ आ रही होगी। और भाई ये इतना खास रेलवे स्टेशन है ना, क्यों दिखाता हूँ जी। ये है कन्याकुमारी का रेलवे स्टेशन और ये देख लो ये है डेड एंड, क्योंकि इससे आगे तो भाई श्रीलंका स्टार्ट हो जाता है। स्टेशन पे ना इडली लिया है, तो यही बर्फ सही लगा हमारे को, और ये ठंडा पानी का बॉटल 2 लीटर का। ठीक है, यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए सब कुछ मिल जाएगा। अरे क्या हिमसागर एक्सप्रेस नहीं आएगा? खाना पीना तो खाए हैं, लेकिन भाई एक पॉपआउट हो गया और वो बहुत गंदे वाला कटा है, मूड खराब हो गया ना पूरा, कन्याकुमारी से बना था यार। यार क्या बताएं, वो आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। मैं वहाँ पूछने गया, मैं जा रहा था ना, मेरे को बोर्ड में दिखा कि पार्शली कैंसल ट्रेन। भाई मेरे को तो कोई मैसेज आया था आपके पास? कुछ सामने देखा भी नहीं, कोई मैसेज भी नहीं आया। और उसके बाद मैंने सर से पूछा, कह रहे हैं कि यार ये तो नागरकोल से चलेगी। यार मूड इतना ऑफ हो गया, लेकिन नागरकोल ज़्यादा दूर नहीं है, कितना है यहाँ से? 20 किलोमीटर है, और 15 से 20 किलोमीटर है। तो चलो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन भाई जर्नी कन्याकुमारी से यहाँ आ गए थे, होटल भी लिया हुआ हमने, सब कुछ लिया हुआ था क्या यार। चलो कोई बात नहीं, अब होटल चलते हैं और उसके बाद फिर आपको नागरकोल लेकर चलेंगे। अब क्या ही कर सकते हैं, बस पे लेकर चलेंगे, कोई भी ट्रेन यहाँ पर नहीं आ रही ना भाई। फाइनली देख लो पहुंच चुके हैं हम नागरकोल जंक्शन पे, और अभी टाइम देख लो पूरा 1 बज गए, गाड़ी है 2:35 के करीब ना, 2:40, तो अभी पड़ा है 1.5 घंटा। तो अंदर चलते हैं आराम से, थोड़ा देखते हैं खाने पीने को मिलता है, थोड़ा खाते पीते हैं। और देख लो ऐसा कुछ है स्टेशन, मौसम बादल से दिख रहे हैं बट गर्मी खूब है भाई, ह्यूमिड बहुत है। अंदर चलते हैं, ये देख लो यहाँ पर लिखी हुई ना जम्मू तवी हिमसागर एक्सप्रेस, और ये टाइमिंग भी लिखा हुआ है इसमें। अभी हम यहाँ पर ही ना प्लेटफॉर्म नंबर 1 है शायद, वहाँ पर ये खाने पीने आ गए हैं। तो जैसा मिल रहा है प्योर वेज, इनका सेक्शन लगता तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो राइस मिले हैं, ठीक है, हाँ प्योर वेजिटेरियन, थैंक यू दीदी। तो ये देख लो भाई वेज बिरयानी है, मिर्ची के बिना है, तो यही खाते हैं भाई, आज का अपना लंच यही होने वाला है भाई। फाइनली जाकर अब गाड़ी लगी है, टाइम देख लो आप 2:27 भाई, कमाल ही होगी यार, पूरा भीग चुके हैं गर्मी में, अब इतना टाइम हो गया, 20 मिनट पहले लगा रही है गाड़ी को। ये देख लो भाई कन्याकुमारी श्री माता वैष्णो देवी कटरा हिमसागर एक्सप्रेस, बैक आ रही है भाई गाड़ी, ऐसे ना सोचना कैसे चल रही है, बैक आ रही है गाड़ी। अब इतना ज्यादा रश मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, यहीं से भाई लोग भाग रहे हैं। तो देख लो ये आ गया भाई M1 कोच, दैट इज इकोनॉमी क्लास, एक ही कोच है इसमें इकोनॉमी का, और अपना है B1 एंड B2। अरे यार B1 तो नया लग रहा है, B2 पुराना लग रहा है, सही है नहीं है? चलो भाई चलते हैं, जय माता दी भाई, माता रानी का नाम लेके अंदर चढ़ेंगे। ले लाइट ही नहीं ऑन भाई, लो जी कर लो, गाड़ी लगी अभी तो टाइम लगेगा लाइट ऑन होने में। हाँ जी गाइस, तो लगेज अपने अंदर रख दिया, लेकिन अंदर अभी लाइट नहीं ऑन हुई है क्योंकि लोकोमोटिव नहीं लगा है, और टाइम देख लो 40 हो चुका है, 5 मिनट में डिपार्चर है। मेरे को तो नहीं लगता हम ऑन टाइम डिपार्चर यहाँ पे ले पाएंगे, बट ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं, जैसे डिपार्चर होता है तो लेते हैं डिपार्चर, लेकिन थोड़ा सा डर है 2-3 चीजों का, एक बार डिपार्चर लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। फाइनली भैया आए हैं, तो ये भाई लाइट्स ऑन करके गए हैं, अभी एसी शायद ऑन नहीं हुआ है, देखते हैं, ओ एसी अभी ऑन नहीं हुआ है, बट ठीक है हो जाएगा ऑन।
तो देख लो भाई ये है अपनी थर्ड एसी, आपको पता ही थर्ड एसी का इंटीरियर काफ़ी बार दिखाया है, लोअर मिडल अपर है, लेकिन जो अपनी सीट है वो एक साइड लोअर और साइड अपर ये वाली नहीं है, वो 42 नंबर सीट है, बट ठीक है जो यहाँ पर आएंगे एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन ये अच्छा लगा, अभी रिसेंटली नहीं, थोड़ा टाइम हो गया एल एच बी हुई है, तो नीचे भी चार्जिंग पॉइंट है, ऊपर भी चार्जिंग पॉइंट, इधर भी आपको दो इधर हैं दो इधर, एक एक नीचे दिया गया है, मतलब चार्जिंग का तो भाई आपको पूरी जर्नी में दिक्कत तो होने नहीं वाली। टाइम देख लो 2:57 एंड फाइनली जाकर हमारा डिपार्चर हो चुका है नागरकोल स्टेशन से। मैं आपको बता रहा था ना मेरे को दो तीन चीज़ों का डर है, वो है एक भाई नहाना कैसे मैनेज होगा चार दिन, वैसे भाई मैं एक दिन तो देखो ट्रैवलिंग में हो ही जाता है, लेकिन चार दिन बिना नहाए साथ में वॉशरूम कैसी कंडीशन रहती है देखते हैं। और खाना आपको पता ही है भाई मैं भी थोड़ा फूड ऐसा मतलब बाहर का नहीं खा रहा ज़्यादा, तो कैसे मैनेज करूँगा वो माता रानी को ही पता है। एक बार हो जाए भाई, जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। भाई निकल गए, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही है, थोड़ा सा नर्वसनेस हो रही है, डर लग रहा है भाई 70 आवर्स मोस्टली, मतलब कैसा मैनेज करेंगे, बट ठीक है जैसा भी होगा विल सी। देख लो गाड़ी निकली है और फिर से रुक गई है क्योंकि चिन्मय भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर काम चालू है, अच्छा इसलिए करके ये कन्याकुमारी से भी गाड़ी कैंसिल की गई थी। तो आपको मैं बता दूँ काफ़ी सारे होल्ट हैं, कितने होल्ट हैं इसमें, ओ भाई गिनती भी नहीं करी, तो गिनती होगी भी नहीं, बहुत सारे होल्ट हैं, तो ऐसा करेंगे बीच बीच में जैसा भी होगा मैं आपको सारे होल्ट मतलब जो जो कवर करने हैं वो आप कवर करके आपको दिखाई देंगे। इसलिए अभी हमारी ट्रेन बहुत स्लो ही चल रही है, लेकिन नज़ारे यार ये जो खूबसूरती ना ये आपको भाई सिर्फ इसी रूट पे देखने को मिलेगी, मतलब आप केरला साइड आएंगे साउथ साइड तो यहाँ पर देख लो सामने पहाड़ दिख रहे होंगे बेहद ही खूबसूरत। तो ये आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है आई गेस पुथीरी लेक है शायद नेम, तो पुथीरी लेक अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं इस ट्रेन की इन्फॉर्मेशन की। आपके मन में एक सवाल तो आ रहा होगा कि ट्रैवल करेंगे टाइमिंग तो बता दो, तो भाई ये वीक में सिर्फ एक दिन चलती है ओनली फ्राइडे को, और आप कब पहुंचेंगे, फ्राइडे का दिन, सैटरडे का दिन, संडे का दिन और मंडे को सुबह लगभग 11 बजे, 10:45 का इसका टाइम है। टोटल किलोमीटर कवर करने वाले हैं हम 3800 किलोमीटर और टाइम लगने वाला है 70 आवर्स के करीब, और जो टोटल होल्ट है वो है 65 होल्ट, पूरे कवर नहीं करेंगे, देखते हो आगे थ्रू आउट द जर्नी, अभी तो जर्नी शुरुआत हुई है, आगे आपको मैं फेयर भी बताऊंगा अभी कितना फेयर कौन से क्लासेस हैं सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता लगेगा। और जो चीज़ होती खाने की वो हम आपको बताएंगे कि कहाँ का खाना ट्राई कर सकते हैं ना, बाकी मंडे पहुंच के मंडे ही निकलती है रात को। अच्छा वहां से भी एक नाइट आके फिर से फ्राइडे सुबह निकल गया, इसी रेक को ये चालू है, यही आना जाना लगा हुआ। ये देख लो यहाँ पर पेंट्री क्लास है, तो मतलब खाना पीना आपको देखो बड़ा उर्दू बड़ा। क्या ही खूबसूरत कर्व दिख रहा है ना, तो देखो भाई यहाँ पर एक गाड़ी भी खड़ी है, क्रॉसिंग होनी थी बट हाँ एक स्टेशन भी आ चुका अपना, यहाँ पर अपनी गाड़ी भी रुकने वाली है। गाड़ी पहुँची है फर्स्ट होल्ड कह सकते हैं आप नागरकोल से चलने के बाद, पता नहीं कुली थुराई ऐसा कुछ नेम है, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, बट देखो काफ़ी लोग यहाँ से बोर्ड भी कर रहे हैं इस ट्रेन को। एक घंटे के करीब हम यहाँ पर डिले हैं भाई, बहुत गाड़ी डिले हो गई है। तो अभी भाई हम एंटर कर जाएंगे थोड़ी देर में केरला में, तमिलनाडु से डायरेक्ट केरला में, और यहाँ पर भाई ओवरटेक करते हुए, क्या बात है यार, लीजिए भाई ओवरटेक करते हुए। एम सागर ने पहला ओवरटेक मारा, तो आपको इसी वीडियो में ना थोड़ा सा रेल पैटर्न भी दिखाएंगे बीच में। और आई गेस ये स्टेशन है केरला में गाइस, तो अभी मैंने चेक किया यही जो स्टेशन निकला यही था भाई, केरला में हम फाइनली एंटर हो चुके। और अब भाई खूबसूरती देखना,
गाड़ी हमारी पहुंच गई है त्रिवेंद्रम सेंट्रल में और यहाँ पर भाई हम एक घंटा डिले ही पहुँचे हैं। 5 मिनट का होल्ट होने वाला है और ये इंडिया के 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन में से एक है। अब मेरे को आप बताओ कि फर्स्ट लॉन्गेस्ट जो ट्रेन है वो तो विवेक एक्सप्रेस होगी, सेकंड कौन सी वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और इंडिया के 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन 4 बाकी कौन कौन से कमेंट करके ज़रूर बताना। थर्ड में तो आज हम जर्नी कर रहे हैं थर्ड लॉन्गेस्ट ट्रेन में। प्लेटफॉर्म पे देखो यहाँ पर कितनी साफ़ सफाई है, मोस्टली तो भाई काफ़ी क्लीन लग रहा है। बाकी चिन्मय भाई से पूछा तो कुछ खाने पीने को तो नहीं लेना ना अभी, है ना, अभी नहीं ना, तो यहाँ से मिल रहा है खाने पीने को, वो देख लो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिल रही, बेटा अभी भूख नहीं है बिल्कुल भी। और हमें सीट एडजस्टमेंट करनी है थोड़ी सी, देखते हैं अगर होती है तो। मेरी एक्चुअली वो सामने वाली है ऊपर वाली, तो यहाँ पर अभी कोई आया नहीं है। 5 मिनट के, अरे उल्टा उतर रहे हैं यार, उल्टा नहीं उतरना चाहिए कभी। 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हम निकल चुके हैं त्रिवेंद्रम से। बाकी यहाँ मैं देख रहा हूँ और खाने पीने के काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन देख रहे हैं, वो देखो एक रेस्टोरेंट वहाँ पे है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा है यहाँ पे। सो जी अभी हम स्किप कर रहे हैं कोचीवेली स्टेशन को, तो ये त्रिवेंद्रम में ही आता है बेसिकली, तो कुछ ट्रेन्स यहाँ पर आती हैं कुछ ट्रेन्स जाती हैं त्रिवेंद्रम सेंट्रल पे। तो मैंने कहा ठीक है आपको बता दिया जाए, कभी कभी सर्च में आप भी देख रहे होते हैं कोचीवेली किधर है, तो वो त्रिवेंद्रम में ही आता है। अच्छी रफ्तार में स्किप करते हैं, बहुत बढ़िया। नेत्रावती एक्सप्रेस को भाई क्रॉसिंग। भाई यहाँ पर मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी है ना, अभी प्री मिक्स कॉफ़ी चाय ट्रेन में मिल रहा है, ये बेस्ट होता है प्री मिक्स, और हमारी है ना ये अच्छा होता है। फाइनली हमारा अच्छा ये वही वाला है, सही कह रहे हो, फाइनली हमारा सीट का भी हो चुका है। अब 39 40 दोनों हमारे यहाँ पर, चलो बढ़िया हो गया। बाकी मैं तो नहीं पीता चाय कॉफ़ी, मेरी बंद है, भाई पियेंगे और भाई बता देंगे टेस्ट कैसा है। यार इसमें तो स्टोरेज फुल होगी मेरे पुराने फ़ोन में, 15 प्रो मैक्स में स्विच किया है, तो इसकी क्लैरिटी आप बताना कोई डिफरेंस हो रहा है। कॉफ़ी कैसी है भाई? अच्छी है, बढ़िया है, मस्त है। यहाँ पर ये देख लो, ये है दाल वड़ा, तो कैसे है, गर्म है? गर्म नहीं, थोड़ा है, क्रिस्पी है। अच्छा क्रिस्पी है। तो भाई देख लो अभी हम स्किप कर रहे हैं वर्कला, और इधर यहाँ पर ये आ चुका है, ये है दाल वड़ा। वर्कला में यहाँ बीच है ना काफ़ी फेमस, है ना वर्कला बीच, यहाँ मेरे भाई हैं, उनका हार्ट टूट गया था अभी थोड़े दिन पहले, यहीं पर शायद ये वर्कला वही जगह है। जेन्युइन रिव्यू देना कैसे है? अच्छा परशुराम एक्सप्रेस बेंगलोर नागरकोल, भाई देख लो भाई शाम का कुछ ऐसा नज़ारा है, इतना खूबसूरत है ना ये देखो, यही है यार, और ऐसे ऐसे आपको काउस भी देखेंगे इस रोड पे। अभी एक बहुत ही खूबसूरत सी लेक आएगी, वाओ, तो ये पारापुर रेल ब्रिज और ये पारापुर लेक, नज़ारा देखो आप सनसेट के साथ कितना ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। तो देख लो अभी हम कॉलम एंटर कर रहे हैं, बट उससे पहले कितना ही खूबसूरत कव आपको देखने को मिलता है, अरे पूरा मतलब घूमती गाड़ी, तो ये कव ख़त्म होगा वैसे हम एंटर कर देंगे स्टेशन को। गाड़ी पहुंच चुकी है कॉलम जंक्शन पे, और यहाँ पर हम पहुँचे वही 50 मिनट्स डिले, लेकिन यहाँ पर वही मौसम बहुत ही बढ़िया हो चुका है। 3 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट होने वाला है,
अब मैं आपको बता देता हूँ उस ट्रेन के फेयर के बारे में। अगर आप थर्ड एसी में ट्रैवल करेंगे तो आपको लगभग 2800 रुपये देना पड़ेगा। इसमें थर्ड एसी इकोनॉमी भी है जिसका लगभग 80 रुपीस कम है एज़ कम्पेयर टू द थर्ड एसी। सेकंड एसी में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो 4200 रुपीस। स्लीपर में ट्रैवल करेंगे तो ऑलमोस्ट 1100 रुपये के करीब। इसमें सेकंड सीटिंग भी है जिसमें आपको जनरल मतलब उसमें आपको लगभग 700 रुपये पे करना पड़ेगा एंड टू एंड। तो फेयर तो मेरे हिसाब से तो भाई 3000 रुपये में 4 days और 3 nights का पैकेज ज़्यादा रेट नहीं है। लेकिन फूड अलग से आपको खरीदना है पूरी जर्नी थ्रू आउट द जर्नी। आपको मैं ना पूरी सीरीज़ में इसके शायद 2 या 3 पार्ट रहेंगे जिसमें मैं आपको पूरा फूड भी बताऊंगा भी कहाँ का आप बेस्ट फूड ले सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं भाई, 3 मिनट का ही हॉल्ट था। रह गए हम यार, इसका ओवरटेक हो रहा था भाई साहब। हम अभी डिस्कस कर रहे थे इसको ओवरटेक मारेगी 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 और ओवरटेक मार लिया। मेरे को चलो इतना दुख नहीं हुआ भाई, पूरा सोच के बैठे थे। अरे यार चलो कोई बात नहीं। आपको पता ही भाई मैं कर रहा हूँ भाई इंडिया की थर्ड लॉन्गेस्ट ट्रेन के अंदर जर्नी, और अभी क्रॉसिंग होने वाली है हमारी इंडिया की पहली इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी यानी कि विवेक एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग। तो चलिए उसको देखिए पहले। विवेक एक्सप्रेस आपको ये 30 FPS में लग रहा होगा लेकिन पूरा अंधेरा ही है। और अभी हम कौन सा स्टेशन था भाई? चिंगानूर है। चिंगानूर चिंगानूर भाई स्टेशन आ गए, नाम ही बड़े ओके ओके हैं भाई। तो भाई ये आ रही है केरला एक्सप्रेस। इसमें ऑलरेडी जर्नी कर चुका हूँ, तिरुपति से की थी मैंने, वीडियो भी लाइव है चैनल पे जाकर जरूर देखना। गाड़ी अच्छी है, रनवे ठीक है गाड़ी। अभी तो बिल्कुल खाली है क्योंकि ये आपको पता है अपने डेस्टिनेशन बस पहुंचने वाली है, और अपना भी भाई सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। अंदर चलते हैं फटाफट से। ये जी अपना डिनर आ चुका है। डिनर में मैंने वेज कोरमा और चपाती मंगवाई है पेंट्री से ही, और प्राइस मैं आपको एंड में सब कुछ बता दूंगा। पहले ऐसे करते हैं, गर्मा गर्म है बिल्कुल, देखते हैं कैसा है और टेस्ट बताते हैं भाई। यहाँ पर देख लो, ये है वेज कोरमा और तीखा ना बस उनको बोला तो था, और ये साथ में गर्मा गर्म 4 चपाती है। तो प्लेन सा ही खाना खा रहा हूँ, तो देखते हैं टेस्ट कैसा है भाई। चिकन वाला आपने मंगवाया ना, स्पून अभी नहीं आया है बट ठीक है, बिना स्पून के गर्मा गर्म है। मैं क्या, चलो टेस्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल सा खाना चाहिए था मुझे, वो ये इसमें न्यूट्री भी डाली है उन्होंने। ठीक है, थोड़ा सा सोयाबीन मेरे लिए थोड़ा सा तीखा है लेकिन आपके लिए बढ़िया होगा, टेस्ट बढ़िया है। अगर आप आ रहे हैं इस ट्रेन में तो आपको वेज बिरयानी चिकन बिरयानी वेज खाना सब मिलेगा, और प्राइस भी मैं आएगा सब 80 रुपीस वेज बिरयानी ले रहे थे। गाड़ी पहुंच चुकी है कोट्टयम में, और यहां पर हम पहुंचे 40 मिनट्स डिले। प्रोनाउंसिएशन मेरी ठीक ही होनी चाहिए, बाकी यार खाना बहुत ही बढ़िया था, बिल्कुल घर जैसा। और मतलब ना ऑयल भी नहीं था फालतू, और प्लेन चपाती थी, अच्छी चपाती थी, 5 चपाती दी थी और सब्जी थी। अब प्राइस 100 रुपीज़ बोल रहा था उन्होंने, लेकिन वेज बिरयानी और वो सब बाकी तो ठीक प्राइस बोल रहे थे। चिकन बिरयानी 120 शायद 110 का, बट ठीक है जब बिल आएगा तो भैया से देख लेंगे। भाई गाड़ी पहुंच चुकी है एर्नाकुलम टाउन में। आपको मैं बता दूं एर्नाकुलम में 2 स्टेशन है, एक जंक्शन है एक टाउन है। अगर अब आया LEP आएगी गाड़ी तो वो जाएगी जंक्शन पे, हम आए वाया कोट्टयम तो हम आए टाउन के अंदर। 5 मिनट का हॉल्ट है, 20 मिनट डिले आए बिफोर ही आ गए थे बट यार आउटर पे रोके रखा। चलो कोई बात नहीं, अब नहीं यार पता नहीं मेरे को नींद आ रही है यार अभी से यार। 307 किलोमीटर कवर करें बट ऐसे लग रहा है यार बहुत थकावट होगी अभी तो भाई, 3 दिन और है। देख लो भाई इसी की कमी थी, और ये उड़ने वाला है भाई। देख लो इतना मोटा कॉकरोच यार, अंदर भी बड़े कॉकरोच है ना छोटे छोटे, अरे ये बस मेरे को कमी एक लगी हुई, छोटे छोटे कॉकरोच है भाई डर लगता है। हैं ये तो बड़ा ही, देखो कितना बड़ा भाई, वो देखो तैयारी करी बैठा है ये, तो अपन ही छेड़ते चुपचाप निकल जाते हैं स्पेशल भाई। छोड़ो यार अब चलते हैं। देखो आपको एक और कॉकरोच देखा छोटा छोटा, बहुत सारे हैं भाई ऐसे छोटे छोटे कॉकरोच। यहाँ पर आपको दिस इज केरला हलवा ना, ओके यहाँ पर देख लो केरला हलवा मिल जाएगा, ये बनाना चिप्स है, ये सब कुछ केरला की फेमस चीज़ें हैं।
बट मैंने तो ये लिए एक भाई के लिए अपने लिए, बाकी पानी वानी है और कुछ चाहिए भाई? ऐसा करते हैं, हम जाते हैं अंदर सोने के लिए और आपको मिलते हैं सुबह काट पड़े के आसपास। तब तक के लिए गुड नाइट। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई गुड मॉर्निंग की शुरुआत होती है हमारी काटपाड़ी में और यहाँ पर हम पहुंचे हैं भाई 20 मिनट या 15 मिनट बिफोर गाड़ी पहुंची है। ये मजा आ गया सोने के भाई, सुबह सुबह यार अच्छी खुशखबरी आपको दे रहे हैं। बाकी देखते हैं भाई ऑन टाइम ही चलनी चाहिए गाड़ी। और अभी तक का सफर तो बहुत ही बढ़िया था, लगभग 900 किलोमीटर हमने 800-900 किलोमीटर कवर कर लिया है फ्रॉम कन्याकुमारी। तो अब देखते हैं यहाँ से ब्रेकफास्ट लेने का हमारा प्लान है। यहाँ पर ना साउथ इंडियन इडली वड़ा और डोसा ये सब कुछ मिलता है, तो चलिए देखते हैं ब्रेकफास्ट लेते हैं। और वॉशरूम अभी मैं सुबह गया था भाई, बहुत ख़राब हालत है वॉशरूम। वैसे जा सकते हो अब, लेकिन घुसते ही ना इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना भाई। अभी ट्वीट करेंगे हम और रेल मदद पे करेंगे, कोई हाथ धोने के लिए सोप नहीं रखा हुआ, ये तो भाई बहुत गंदी चीज लगी। तो अभी सॉल्व कराते हैं उसे। इडली वड़ा गरम है, गरम है पर हमने इडली वड़ा ले लिया है, अब अंदर लेकर चलते हैं। और हमने ट्वीट भी कर दिया और रेल मदद, बस रेल मदद हो जाएगी तो भाई हमारे को मदद मिल जाएगी, क्योंकि 4 दिन काट रहे हैं बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर भी भाई कोई गाड़ी आ रही है अभी, तो ठीक है अंदर चलते हैं और पेंट्री का भी ट्राई करते हैं कटलेट लेकर। भाई ने उसे ट्राई किया है लेकिन अभी नहीं बताएंगे, एक बार और लेकर ट्राई करके बताएंगे। ब्रेड कटलेट देना। यहाँ पर देख लो, ये हमने बाहर से लिया है इडली वड़ा और ये है कटलेट। तो दोनों को पहले ऐसे करते हैं, ओपन करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। हैंड वॉश मैं कराया हूँ और देखते हैं क्या। ये है इडली, एक वड़ा, इसको ओपन करते हैं। ओके भाई करो इसको, इसमें केचप दी हुई है, साथ में 2 ब्रेड है, ओके कटलेट है और बटर भी है भाई। ये सही लगा यार, बहुत रेयर होता है ना भी ऐसे बटर भी मिले। और ये 40 रुपीज़ का बिल्कुल सही प्राइस पे, और ये कटलेट है, दिखने में बहुत सही लग रहे हैं बट मैं नहीं खाऊंगा, भाई खाएंगे और टेस्ट बताते हैं। तो सबसे पहले इडली ट्राई करते हैं, हाथ वो हैंड वॉश किए हुए हैं, स्पून तो नहीं है लेकिन इडली बहुत सॉफ्ट है। अब मेरे को लगा था यहाँ पर नारियल वाली चटनी भी मिलेगी बट वो नहीं थी, कोई और ही चटनी थी और मेरे को लगता है मैंने वो गलती कर ली, डाल के थोड़ी सी डाली थी। भाई बाहर से लिया था सांभर के साथ इडली, बहुत बढ़िया, वाइट चटनी नहीं मिली भाई मेरे को इसमें। रिकमेंडेड है भाई, मस्ट रिकमेंडेड, अगर आप आ रहे हैं काटपाड़ी में ट्राई कर सकते हैं ये। अब ये जो अपना कटलेट है ना, ये भाई से रिव्यू लेते हैं। चिन में भाई बटर की जगह केचप लगा कर खाएंगे, बटर हम सेव करेंगे। चलो टेस्ट बताओ, ये तो मेरे को अच्छा लगा, मतलब आ रहे हैं तो ट्राई कर सकते हैं। गर्म है वैसे? नहीं गर्म नहीं, अच्छा है। अच्छा अच्छा टेस्ट में राजधानी का फर्स्ट इसी का कटलेट है ना। अच्छा जी, इससे भी थोड़ा बेटर भी है भाई, कह रहे राजधानी तो ठंडा है। मैंने तो सुबह गया था 6:30 बजे, वो तो गर्म था, वो खाने में तो और मजा है। अच्छा मतलब सुबह सुबह आओ तो खा लो है, क्या बात है यार। तो मस्ट रिकमेंडेड है, दोनों चीज़ें बहुत ही बढ़िया हैं। अभी आप कर्व चेक करना, है ना बहुत ही खूबसूरत कर्व। मजा आ गया यार, पूरा एक तरह से यू टर्न था भाई ये पूरा, और रफ्तार भी पकड़ ली अब हमने। तो भाई यहाँ पर अपनी क्रॉसिंग भी हो रही है काचीगुड़ा चित्तौड़। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 50 का अच्छे वाला देना। सो अभी हमने यहाँ से लिया है 50 रुपीज़ के 8 केले, केले तो अच्छे हैं यार क्वालिटी, यही है भाई फ्रूट्स मिल जाए ना ट्रैवलिंग में सही रहता है।
भाई तो गाड़ी पहुंच चुकी है हमारी तिरुपति में और यहाँ पर हम पहुंचे हैं 10 मिनट डिले, 5 मिनट का यहाँ पर होल्ट होने वाला है। अभी तक तो रन ठीक चला है, 980 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। और ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं इस पार्ट को, और आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। देखो एक पार्ट में तो आपको सारी जर्नी नहीं दिखा सकते, अभी 3000 किलोमीटर की लगभग जर्नी बाकी है। और भाई अपने आ जाओ भाई इधर आओ। तो भाई से पूछ रहे थे इनका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक हैं? अभी तक तो ठीक है, 3000 किलोमीटर पड़ा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, पसंद आए लाइक करना। सारी इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाकी है, जैसे कि हम फूड कैसे मैनेज करेंगे, वॉशरूम कंडीशन कैसी रहती है थ्रू आउट द जर्नी, वो आपको आगे वाली वीडियोस में पता लग जाएगा। चलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, यहीं पर रखते हैं। चैनल पर नए मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।